चार रस है वात्सल्य रस अमृत समान, जिसके वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं। इसके उदाहरण में दो श्लोक उन्होंने बताया, नंद किम करोत ब्रह्मन सेय एव महोदयम यशोदा वा महाभागा पपौ जस्यास्तनम हरि, और दूसरा श्लोक नेमं विरंचो न भवो न श्रिय पंग संशया प्रसादम ले भीरे गोपी जत तत् प्राप्त विमुक्ता। पहले नंदा किम अकोरोति ब्रह्मन, अहो नंदा किम अकोरोत ब्रह्मन, हे ब्रह्म हे सुखदेव गोस्वामी, नंद जी ने क्या किया, कौन सी तपस्या कितना पुण्य पुण्य अथवा क्या किया जो कृष्ण को पुत्र रूप में मानते हैं? कैसे कृष्ण को पुत्र रूप में मानते हैं? गर्गाचार्य जी ने उनको बताया नारायण समो प्रभाव में, नारायण के समो में इसका गुण है, नारायण के समान। और देखा क्या उनके समस्त ऐश्वर्यों को देखा नंद बाबा, उतना का प्राण भर किया और छोटे बच्चे के रूप में ये भी ऐश्वर्य देखा। और कुछ भक्षण मट्टी खाने के समय में और हाई उठने में उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उनके मुख में देखा, ये भी यशोदा मैया ने देखा। और गोवर्धन धारण को देखा, ये छोटा बाल गोवर्धन पर्वत धारण कर रहा है, ये साधारण बालकों का काम नहीं, ये भी देखा ये नारायण के समान गुण वाला है। और क्या क्या किया शासन नहीं करेंगे तो ये पीछे बिगड़ जाएगा, हमारा पुत्र है इसलिए उसको शासन कर रही हैं, बांध भी रही हैं, ओखल में नहीं बांधने पर भी प्रतिज्ञा करके उसको बांध रही हैं, और बांधा भी उसके प्रेम में बध गए। ऐसे प्रेमों के वशीभूत हैं तो कह रहे हैं स्वयं जो हमको हीन मानता है अपने को गुरु ज्ञान करता है उसके प्रेम में वशीभूत हो जाता है, बंधन में आ गए। और क्या नेमियम नेमंग बिरंचो, ओह जो यशोदा गोपी ने मुक्तिदाता जो कृष्ण हैं सबके लिए मुक्ति देने वाले, उस कृष्ण के निकट में जैसा प्रसाद लाभ किया था, क्या प्रसाद, उनको बांध दिया, उनको लाड़ प्यार करती हैं, अपने को पाल्य पालक कृष्ण को पालक ज्ञान करती हैं, कुछ नहीं जानता, करवट भी नहीं ले सकता, तहां ब्रह्मा कौन पुत्र ब्रह्मा और शिव हरिहर एक आत्मा और विष्णु के बक्ष में ग्रहण करने वाली स्थान लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो आज गोपी यशोदा को प्राप्त हुआ। इसलिए यशोदा जी का कौन सा सौभाग्य है,
ये भी साधारण लौकिक रीति से कह रहे हैं। यशोदा जी सर्वत्र गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण के माता पिता ये नंद यशोदा है। ये बलदेव जी के काय भी हुए हैं। कोई जीव कोई तपस्या करके नहीं हो सकता। द्रोण और धारा ने जो तपस्या किया था उनको वात्सल्य देने के लिए अपने अंगों में मिला लिया था, और इसके बाद में जब गोलोक वृंदावन में गए तो उनसे अंग से निकल करके और पास पड़ोस के गोपी होकर के जन्म ग्रहण करके कृष्ण की सेवा की। कोई बाबा कोई व्यक्ति भी साधन करके बाबा और मैया नहीं हो सकता। पास पड़ोसी होकर के माता पिता जैसा रसास्वादन तो कर सकते हैं, किंतु नंद बाबा ही उनके माता पिता हैं और रहेंगे, और सर्वत्र वही नंद बाबा ही और यशोदा मैया उनके माता पिता। कोई साधक जीव नहीं। बोलो महाराज को होता है तरह दिले और शुक्र दो पैदल एखान जा रहे थे এখান থেকে তো নিকটে হবে সমুদ্র থেকে এখানে আসতে দিন So one of the things Krishna is giving me already is helpless. So they can control. So Bhagavad Gita has a rule like this. Bhagavad Gita sort of thinks that Krishna is a small baby. He has no intelligence. He doesn't know what is right and wrong. About that very person who is actually Sarva-Shaktiman, he is all powerful. He is Paramatma, he is the supreme absolute truth. He is Sarvashreshtha, he is the supreme controller of all other controllers. Towards that person, but they should have thinks, oh, he is helpless, unintelligent, terrible, and unintelligent. So, when Chaitanya Mahaprabhu heard about the glories of Sakyaras, he still said, go on, you should tell more. Why? Because Mahaprabhu is not completely satisfied yet. So, what is this Vatsalya Rasa? That person who thinks, I am Guruji, I am his senior. He is dependent upon me. And I am bestowing my mercy on him, and he is receiving mercy from me. The Sakyas play with Krishna, gave him some fruit seeds. But Bhakti Shodha, or she's cooking many preparations for him. And not only that, if she thinks he's doing something wrong, she chastises him, criticizes him. She nourishes him. She can even bind him up. So, if you want to understand the elements which are present in this Vatsalya Rasa, we can say that in Shanta Rasa, there is Krishna Nishtha, attentiveness to Krishna, and Krishna Jaga.
giving up first for everything else. Then superior to this is Dasya Bhav. It has both of these previous qualities plus Seva, mood of rendering service. And then in Sakya mode has all of this, but Asankot Seva, the service is not inhibited by feelings of reverence. It's very free, flowing by feelings of equality. But in Vasaya Bhav, all previous elements are included, plus I am the Paraka, I am the protector, maintainer and nourisher of Krishna, and he is to be protected, maintained and nourished by me. And therefore this Vasaya Bhav is amrita, is nectar, and it controls Krishna even more. So when Vairananda made this suggestion about Vatsali Bhav Sarva Sadesa, this Vatsali Bhav is the essence of all objectives. He gave two examples from Srimad Bhagavatam. First one spoken by Krishna Maharaj. Nanda Kim Akarat Brahman Shandeva Mayo Naya. Yashodava Mahabhaga Papo Yasa Stanamuri. The meaning is Nanda Kim Akarat Brahman. Or what did Nanda Maharaj do? What Krita Punya Punya? What massive amounts of piety did he perform to live such a life where he thinks Krishna is my son? Who is the Supreme Personality of Godhead? He thinks he is my natural born son. Gargacharya came at the main feeling ceremony of Sri Krishna and he told Nanda Maharaj, Tasman, Nanda, Yoyamte, Narayana, Savo, Munay. Hey Nanda Maharaj, Nanda, your naturally born son, right? He will have all the qualities of Narayana. So Nanda Maharaj heard this and he saw Krishna's opulences. When Krishna took puja, this is not an ordinary thing, no one can do it. When Krishna was eating dirt, Mother Yashoda, she looked inside his mouth and saw Vishwaroop, the entire universe, everything in the universes. Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they both saw. Krishna was lifting Giriraj Govardhan. But they never thought Krishna was lifting. Nanda Maharaj thought, Narayana's activity, he's doing everything. That's why Sanat Bhakti is like Narayana. So also, when Nanda Maharaj was arrested by the servants of Varuna and taken to Varunlok, Krishna came there, and Nanda Maharaj saw Varundev offering prayers to Krishna, worshipping Krishna, bowing down to Krishna, and then Krishna took his father and they returned to Braj. So, despite the fact that Mother Yashoda and Nanda Maharaj, they saw on many occasions the vast opulences of Krishna, yet they always think he is my son. So how glorious is this? That's all your friend. So Mother Yashoda thinks, I will have to chastise him. I will have to inflict some discipline, some punishment upon him. Because if I don't, he will be spoiled. In future, he will grow up to be a bad character. She's very worried about this. So she thinks, I will tie him. But when she was struggling, taking so many ropes, and he could not go around his tiny waist even, that time she took a vow. I must bind him. I promise I must bind him. He has come from my womb. And then Krishna, he was bound, but he was bound by this Vatsalya prayer. So, after giving this example, right on, they gave another example. Nemambiri chana bhavo nasri abhyamya satsaya prasadhanarari mukti yata prava vimuktidat. Who is Krishna? He is vimuktidat. He gives liberation to all. But what mercy he showed to Mother Yashoda. He who gives liberation to those in bondage, himself came in the bondage of the love of Mother Yashoda because she bound him. She caresses him like a child and nourishes him in all ways. This mercy was not even given to Brahma. Brahma appeared from the lotus navel of Bhagavan. So he's like the sun, the exposition of sun of Bhagavan. But he did not receive such mercy. Lord Shiva, he is Hariha Ekatma. He is no different from the Supreme Lord, Hariha Ekatma. But he never got these kind of opportunities. Lakshmi Devi, who always takes shelter of the chest of Sri Narayan, she never got such opportunities. So none of them, all of these great personalities, none of them have ever
Yashoda. So what did she do? What did Narayana do to attain such a position? This question is raised in these verses. So in answer to this, Śrīla Gaurīya explained that Nanda Baba and Yashodhara, they are the eternal mother and father of Krishna in Goloka Vrindavan. They have not done something to attain that position. They are eternally in that position. They are eternally there. They are not practicing devotees, but they are Paramiva, direct expansions from Baladeva Prabhu. So sometimes it's said that Drona and Dara, they performed austerities and worship of Krishna, Lord Brahma, and they attained the position of being Krishna's parents, Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. But don't think that Drona and Dara have become Nanda and Yashoda. No. Nanda and Yashoda are the eternal parents of Krishna. Drona and Dara performed their aradhana. They worshiped Lord Brahma and took a benediction. And by this benediction, Drona and Dara entered into the transcendental bodies of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. And from the point of view of Krishna's parents, they learned about Vatsalya mood and they experienced this Vatsalya mood for Krishna. And then afterwards, their actors came out from Madhya Yashoda and Nanda Maharaj and they attained forms and services similar to those of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. So the conclusion is that they are so fortunate. Why? No one can become them. They have not done any sadhana, and no sadhana in the past, present, or future can ever attain a position equal to that of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. Okay, program. कल हम लोगों का प्रोग्राम है नंदन चक्र तीर्थ भक्ति मोहना देवी हनुमान इस स्थान जाएंगे सो टुमारो अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम विल विजिट एंड गाइड सम गुरुन कृष्ण बस भक्ति मोहना वहां पर कृष्ण बलदेव और सुभद्रा जी के लिए तीन पेड़ की धड़ वहां पर आई थी जिसमें चक्र का चिन्ह था सर और वहीं पर वहीं से उनको दैता लोगों ने उठाया और रथ में बिठला करके जहां जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पर ले गए वहीं पर विश्वकर्मा ने उनको बनाया तो जहां पर वो गुड़िया लाल लाल पेड़ों की चक्र चिन्ह से समान जो उसी जगह में बंकी मुहाना या चक्र तीर्थ उसको कहते हैं वहीं पर सबसे पहले वहीं पर उनकी पूजा कर करके इंद्रद्युम्न महाराज जी ने और उनको जहाँ पर वर्तमान मंदिर है वहीं पर लेकर के रख करके विश्वकर्मा से वहीं पर बनाया और तीन रूपों में वहाँ पर प्रकट हुए फिर प्रति वर्ष में एक बार जिस दिन वो प्रकट हुए थे उसी दिन को वो यात्रा करते हैं बंकी छा ये वहां पर जाना है बेड़ी हनुमान भी है बेड़ी हनुमान मैंने वहां समुद्र गर्जन करके जगन्नाथ जी के मंदिर में न घुस आए इसलिए बेड़ी पहना करके कहीं अयोध्या न चले जाए इसलिए बांध करके रखा है यदि समुद्र गर्जन करके ऊपर उठता है तो वो गर्जन करके उसको दबा दे हनुमान आने नहीं देते समुद्र को इतने बलवान वहाँ पर जाएंगे उनका भी दर्शन करेंगे उनसे भी कृपा प्राप्त करेंगे और अरे बहुत सुंदर वन कीर्तन महामंत्र व्हाट आई टोल्ड ओ तो व्हाई नॉट इंग्लिश ट्रांसलेशन इंग्लिश So we also go to Bedi Hanuman. There, the Jagannath Dev
So he faces Chakra Deva, Banki Mohan, and Prayana Mohan. As the guidance of Lord Prashmaru, Sura Prashmaru faces Mohan. Gaur Premanande, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna Jai Gauri, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna, Jai Shri Krishna.
अब क्या नाम है? दीपक। दीपक? अच्छा, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, राधे बोल राधे बोल, वृंदावन की गलियां की गलियां नो
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Siya Ram, Jai Jai Siya Ram, Jai Hanuman, Jai Jai Hanuman, Jai Siya Ram. जय हनुमान जय जय हनुमान जय सीताराम जय जय सीताराम जय हनुमान जय जय हनुमान जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय जय सीताराम जय सीताराम जय सियाराम जय जय सिया जय हनुमान जय जय हनुमान जय सीताराम जय सियाराम जय जय सियाराम मंदिर पीछे से जागा मंदिर जय सियाराम जय जय सियाराम जय हरे कृष्णा हरि बोल कोई बोलते नहीं हरे कृष्णा ओ मैं ज्ञान तिमिराम धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै इष्टतलये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद इसलिए ये कैवल्य है इसलिए जगन्नाथ मंदिर में अभी जो आनंद बाजार है वहां पर जाओगे देखोगे चावल का किनका पड़ा हुआ होगा लेकिन सवेरे जाकर देखोगे एक भी चावल का किनका वहां नहीं मिलेगा कहते कहां जाता है कहते स्वर्ग से देवता लोग रात में उतर करके वो एक एक किनका को उठा उठा करके खाते हैं इसलिए वहां पर सवेरे एक भी चावल का किनका नहीं मिलेगा इतने बंदर नहीं खाते हाँ इसलिए पक्षी बंदर तो रात में कहाँ आएंगे सो जाते और इसलिए इसलिए स्वयं स्वयं नारद भी प्रसाद का महिमा आप लोग जानते हो नारद भी जगन्नाथ जी की प्रसाद पाने के लिए कितने उन्होंने कठोर तपस्या की लक्ष्मी की उन्होंने इतने उल्लास क्यों पूछा आज इतने आनंद क्यों कहते जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला कहते प्रसाद तो नियम होता है सभी को दे कर खाने का क्या अलग अलग खा लिए कहते हजार हजार साल बात है ये नारद शंकर जी इतने उछल कूद रहे हैं क्यों पूछे क्या बात है कहते हमको जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला पार्वती बोली मैं अर्धांगिनी हूँ आपको जो कुछ मिलेगा आधा हिस्सा मेरा है मेरी है आप अलग अलग ऐसे खा लिया कहते अरे किनका मिला कहते नारद भी बड़े स्वार्थी निकले उन्होंने कहा बात फिर तो महाप्रसाद हो जाता है वो बोली थी मैं मरते जगत में जाकर सारा दुनिया को मैं लुटाऊंगी अभी भी प्रथा है आज को भोग के बाद में बिमला देवी को पास में आती है अब बिमला देवी पाने के बाद ये प्रसाद सभी को वितरण करते हैं कहते ये प्रसाद लोभ से स्वयं हनुमान जी आते थे वो अयोध्या से हनुमान जी आते थे जगन्नाथ मंदिर में ये प्रसाद खाने का लोभ से लड्डू खाने का लोभ से जगन्नाथ जी के और यहाँ आकर के चले जाते थे लेकिन ये जो समुद्र है देख रहे हैं इसका जो गति हथकड़ी बेड़ी बेड़ी मतलब होता है पैर में जंजरी को द्वारा बांध देना इसको कहते हैं बेड़ी इसलिए यहाँ पर जगन्नाथ जी हनुमान जी को चरण में बेड़ी मतलब लोहे के जंजरी से उनको चरण को उन्हें बांध करके यहाँ पर रखे और हनुमान यहाँ रहने का नाते समुद्र इनको गर्जन से समुद्र का बड़ा गर्जन है लेकिन हनुमान का गर्जन से डर से ये समुद्र और इधर नहीं आती है समुद्र एक स्थान में रहती है डर इसलिए कहते शंकर ही तुलसीदास जी कहते हैं रुद्र देह तेज नेह बस वानर भय हनुमान
भगवान जब जब आते हैं शंकर किसी ना किसी रूप में भगवान का सेवा के लिए वो आ जाते हैं। इसलिए जब भगवान राम रूप में आए कहते रुद्र देह त्यजी, शंकर जी ने देखा ये रुद्र देह से प्रभु का सेवा नहीं होगा। हनुमान रूप में आकर के भगवान का तरह तरह से सेवा करते हैं क्योंकि शंकर जी वैष्णवानाम यथा शंभु, वैष्णव में शंकर जी अग्रगण्य है और शंकर जी एक तरफ में एक स्वरूप में बलदेव प्रभु का एक प्रकाश भी ये शंकर है। जैसे बलदेव प्रभु विभिन्न रसों से और विभिन्न आसन व्यंजन छत्र आवाहन तरह तरह का रूप से सेवा करते हैं, इसलिए हनुमान भी श्री रामचंद्र का तरह तरह से सेवा। ये हनुमान जी सीता जब सीता को जो रावण ने चोरी करके ले गया तो उनको पता लगाने वाले कौन है, कोई यहाँ पर पता लगाने वाले नहीं थे, केवल पता लगाने वाले ही हनुमान ही हुए हैं। और हनुमान जी पता लगाए लंका को गए, अपना पराक्रम को दिखा के अभी सीता देवी सोच रही है मेरे को मुक्त करने का जो मूल कारण है ये हनुमान है, ये हनुमान नहीं होता तो मेरे को लंका से कोई नहीं उद्धार नहीं कर पाते। जितने भी उनको लीला है जिनके नाम नहीं उसको हनुमान जी कभी धारण नहीं करते हैं। इसको सुन करके सीता देवी बोली बड़े 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 बात करना तुम सीख गए हो, ये बताओ तेरे शरीर में राम का नाम है, तुम्हारे शरीर में सीताराम है, पर ये शरीर को क्यों धारण कियो, शरीर को त्यागो। हनुमान जी ने कहा देखो मेरे शरीर में अगर सीताराम नहीं होते तो ये शरीर को भी मैं त्याग दे देता। इतने में हनुमान जी सभी को सामने अपना छाती को उन्होंने हमारे हनुमान जी ने देखा सीता जी शरीर में वो हाँ उनको श्रृंगार भवन में सिंदूर की मांग भर रही है, सिंदूर लगाई। इतने में हनुमान जी देखे कहते माता जी ये क्या है, आप एक बूंद सिंदूर क्यों लगाई, यहाँ पर मांग क्यों भरी हो। क्या देखो बेटा ये तो सुहाग का चिन्ह है, पत्नी अगर इसको धारण करे पति चिर अमर रहते हैं, हाँ पति का अनिष्ट नहीं होता, पति का सारा दुनिया में उनको जस बिखरता है। वो कहते ऐसे बात करते हाँ जब सीता जी ज्ञान तिमरन हसा ज्ञान अंजन सलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। By the causeless mercy of Sri Guru and Gauranga, as we perform our Katamanda Pukama, we have now arrived at this place. This is the temple of Bari Hanuman. So, Sri Hanuman, he used to come to Jagannath Puri every day, from Ayodhya, all the way from Ayodhya to here, and back every day. Why? Because he had very intense greed to relish, to honor Jagannath Mahaprasad, especially Laddu from Jagannath Dev. So daily he would come back and forth. But you know, here it's called Banki Mohan, this area, the coast curves and sometimes the ocean becomes very ferocious and huge waves come and just completely inundate all the land in this area. So Jagannath Dev, he wanted that Hanuman should stay here by the shore of the ocean, and by his loud roaring the Samudra Dev would be afraid and he will not inundate the land here. But Hanuman, he is very restless, going here and there, doing so many services especially. So see, Jagannath Dev put one shackle on him and chained him here so that he could not go anywhere. So Bari Hanuman means that Hanuman who is bound to this place by the shackles, by Jagannath Dev. And so actually we have experienced in his just recent history, very huge tidal waves came up the ocean here on the coast of Orissa. And all the land north of Jagannath Puri and south of Jagannath Puri, everything was inundated. But only Jagannath Puri was not touched. Bari Hanuman ki jai. So the question may come, we want to be Rupanuga, followers of Srila Rupa Goswami. We want to serve lotus feet of Radha and Krishna in a Braja Mandal. So what is the necessity of coming here and having darshan of Hanuman? He's not an associate of Braj or anything. But we should not think so. Hanuman is a great Vaishnava.
and very, very merciful. You know that after the battle in Lanka and Lord Ram was again united with Sita Devi, then all returned to Ayodhya. Then, see, Ramachandra, he wanted to give a reward to all of those who had helped him in the battle. Bibhishan, Sugriv, Hanuman, others. And he was calling them forward and giving them a presentation. And then requesting them to return to their respective places and render their services there. So that time all were coming one by one. And Lord Ram was giving a presentation. But where was Hanuman? Everyone, where's Hanuman? Where's Hanuman? He was hiding. Why? Because if he will come and receive a presentation, then he will be sent back, sent away. So he did not want to leave Lord Ram. So he was hiding, he did not come. So finally they found Hanuman, and Ram tried to call him, come here. So Sita Devi, she was very grateful, because it was Hanuman who had discovered her in Ashok Vatika, in the Ashok garden of Ravan in Lanka. So she wanted to give him a very special gift. She gave her own jeweled necklace. So she gave this jeweled necklace to Hanuman, and Hanuman took it, and at once he took the jewels and crunch. And he crunched one, and he was looking, and then he crunched another. Everyone began to laugh. What is this monkey doing? He does not understand the value of this necklace, and he's just crunching the jewels. So Sita Devi asked, what are you doing? Why are you doing this? This is very valuable. Hanuman said, I'm looking to see if Ram Nam is inside. Huh? I'm looking. And if there's no Ram Nam, then I'll throw it away. Because in this world, there's one valuable thing. What is that? A Ram Nam. Only. If Ram Nam is not there, then no value at all. Sita Devi said, so it is, you can give up anything where there is not Ram Nam. Is Ram Nam in your body? Hanuman said, oh, just see. And he opened his own chest. And there, Sita Ram were living in his heart. And the name was coming, Ram, 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 from his heart. So Hanuman, he has so much nishtha in the Harinam, the name of Lord Ram. You know that once when Krishna was in Ayodhya, in Dwarka, he wanted to see Hanuman. So he sent Garud, oh, go and bring Hanuman here. So Garud went flying and discovered Hanuman and told him, Krishna wants to see you. Please go to Dwarka at once. And then Hanuman came back. Krishna was waiting and waiting. Garuda went back. Garuda went back. Krishna was waiting and waiting. He did not come. Krishna said, what did you say? He said, I told him that Krishna in Dwarka wanted to see him.